हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दूं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आखिरकार झुक ही गया चाइना। जी हां दोस्तों, भारत का विरोध आया काम, बताएंगे किस मुद्दे पर चाइना ने अपनी हार मानी है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है, बताएंगे आपको पूरी बात। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर आपने घबराना नहीं है, इमरान खान का ये वक्तव्य दोस्तों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर इमरान खान के ही दूतावास ने इमरान खान की कर डाली घोर बेइज्जती, कह दिया सॉरी इमरान खान, और कोई विकल्प नहीं था। और सैलरी को लेकर बड़ी बात कह दी है, जहां पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की भिखारी वाली स्थिति को खुद उनके दूतावास ने दर्शाया है। दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर क्या है इमरान खान को लेकर। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर चीन को जवाब देने की भारत की है तगड़ी तैयारी, बताएंगे आखिर भारतीय नौसेना के चीफ ने कौन सी बड़ी बात कह दी तैयारी को लेकर चाइना के साथ। साथ ही आपको दोस्तों बताएंगे खबर जहां पर कन्हैया कुमार को संबित पात्रा का चैलेंज, हिम्मत है तो बोले कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी है। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, आपको तो हर तरह की खबर बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां आखिरकार झुक ही गया चाइना, भारत का विरोध आया काम, चीन ने श्रीलंका में रोका सोलर प्लांट प्रोजेक्ट का काम। आपको बता दें कि भारत के विरोध के आगे आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ गया दोस्तों, उसने श्रीलंका में अपने सोलर प्लांट के निर्माण कार्य को रोक दिया। चीन ने भारतीय के पड़ोसी देश श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण को रोक दिया है, श्रीलंकन मीडिया ने ये बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। और ये बताया जा रहा है कि सोलर प्लांट सिस्टम को तीन उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था, जो भारत के बेहद करीब है, और इसका निर्माण कार्य चीनी कंपनी सिनो सोलर हाइब्रिड कर रही है। बता दे दरअसल श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण का भारत शुरू से ही विरोध करता रहा है, और इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में भारत ने श्रीलंका से चीनी कंपनी सोनो सोर हाइब्रिड को उत्तरी द्वीपों पर सोलर पावर प्लांट बनाए जाने का ठेका दिए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। और श्रीलंका ने हाल ही में कोलंबो पोर्ट यानी बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के निर्माण का ठेका चीन की कंपनी को दिया है, और जबकि ये ठेका पहले भारत और जापान को दिया जाना था, और श्रीलंका इसके लिए प्रतिबद्ध भी था। आपको बता दे कोलंबो में चीनी दूतावास ने एक ट्वीट में कहा है कि श्रीलंका में उत्तरी द्वीपों में सौर ऊर्जा प्रणाली परियोजना को एक तीसरे पक्ष द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के कारण निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों भारत का विरोध पूरे तरीके से काम आया है, और आखिरकार चाइना को झुका डाला भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे में दोस्तों आप भी थैंक यू इंडियन ऑफिसर्स कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपकी क्या राय सुझाव होगी इस पर बताना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर ट्विटर पर पाकिस्तान के दूतावास ने जताया वेतन ना मिलने का दुख, लिखा सॉरी इमरान, कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि हम पेट बांध करके पट्टी बांध करके पेट पर काम नहीं कर सकते, भूख से नहीं मर सकते, तीन महीने से नहीं मिली हमारी सैलरी, जिसको लेकर पाकिस्तानी राजनयिकों ने किया इमरान खान को ट्रोल। बता दे आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के बुरे हाल है दोस्तों। आलम यह है कि पाकिस्तान की सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों तक को भी वेतन नहीं दे पा रही, अभी तक तो सरकारी कर्मचारी दबी जुबान की ये बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका दर्द दुनिया के सामने आ गया है दोस्तों। दरअसल पाकिस्तान के सर्बिया दूतावास के आधिकारिक ट्विटर पेज से ट्वीट करके अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपना दर्द साझा किया है। आपको बता दें कि सर्बिया दूतावास की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि महंगाई ने अपने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिए, और ऐसे में आप इमरान खान से कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी चुप रहेंगे और पिछले तीन महीने से बिना वेतन भुगतान के भी काम करते रहेंगे, हमारे बच्चों की स्कूल फीस नहीं जमा हो पा रही है, फीस की भुगतान ना होने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। और इस ट्वीट के साथ एक और ट्वीट किया गया है, जिसमें इमरान खान को टैग करते हुए लिखा गया है कि हमें माफ करना, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। साथ ही इस ट्वीट में एक फोटो भी लगाया गया है, जिस पर लिखा है आपने घबराना नहीं है, यानी कि इमरान खान ने अप
अपने ही ऑफिसरों को, दोस्तों अपने ही राजनयिकों को सैलरी, वो भी तीन तीन महीने की सैलरी नहीं दी है। और ऐसे में जब पानी सर के ऊपर निकल गया दोस्तों, तो इन राजनयिकों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, उनका कहना है कि पेट को पट्टी बांधो, भूख से मरो, तीन महीने से नहीं मिल रही है सैलरी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी, इमरान खान को लेकर जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों इसी के जवाब में जो अगली खबर आ रही है, जहां पर अकाउंट हो गया हैक का हवाला देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है इमरान खान का प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, तीन महीने की सैलरी ना मिलने पर और राजनयिकों के इस गुस्से का जवाब देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है और सफाई देते हुए कहा है कि सर्बिया के दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं अपना बचाव और इमरान खान का बचाव करने की कोशिश पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई है। दोस्तों आपकी क्या राय, सुझाव और जवाब होगा इस पर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन को जवाब देने की कैसी है भारत की तैयारी, बता दें भारतीय नौसेना चीफ एडमिरल हरी की जुबानी। दरअसल चीन की नौसेना के आधुनिकीकरण पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरी कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हम इस बात को जानते हैं कि चीन ने अपनी नेवी के लिए बीते कुछ वर्षों में करीब 110 युद्ध पोतों को निर्माण किया है। साथ ही उन्होंने देश को विश्वास दिलाया कि भारतीय नौसेना अपनी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए हर वक्त पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है, और ये बातें उन्होंने नेवी डे 2021 के मौके पर पत्रकारों से कही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के भारत के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने ठुकराया, बहाना बनाते हुए दी है ये दलील। दरअसल अफगानिस्तान के ताजा हालात को देखते हुए भारत ने अपनी तरफ से मानवीय मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। दोस्तों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ये शायद पसंद नहीं आया है और उसने भारत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दरअसल भारत बाघा सीमा के जरिए भारतीय या अफगान ट्रकों के जरिए 50,000 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर भी अजीबोगरीब शर्तें थोप डाली है और इसका खामियाजा अफगान नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को मानवीय उद्देश्यों के लिए अपवाद स्वरूप अपने क्षेत्र से पड़ोसी अफगानिस्तान में गेहूं और जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने की इजाजत देने के अपने फैसले के बारे में पिछले हफ्ते आधिकारिक रूप से बताया था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने यहां आरोप लगाया है कि नई दिल्ली अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाने के लिए अव्यवहारिक विकल्पों का सुझाव दे रही है पाकिस्तान के रास्ते। अफगानिस्तान गेहूं पहुंचाने के लिए भारत की पाकिस्तान के साथ बातचीत भी चल रही है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ मनाएगा मैत्री दिवस, विदेश मंत्रालय ने दी है इसको लेकर यह बड़ी जानकारी। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि सन 1971 में इसी दिन नई दिल्ली ने ढाका को मान्यता दी थी। दोस्तों और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी से ठीक पहले, यानी 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। भारत ही पहला देश था जिसने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ऐसे में दोस्तों एडवांस में आप लोग मैत्री दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कहना मत भूलिएगा दोस्तों, भारत बांग्लादेश को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सीएम पेमा खांडू ने बताया कि निर्माण उनकी तरफ ही हो रहा है, अरुणाचल में चीन का कोई गांव नहीं है, चीन की तरफ से सीमा पर कुछ निर्माण किए जाने संबंधी हालिया रिपोर्टों पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बसाया और पड़ोसी देश ने सीमा के पास जो भी कुछ विकास कार्य किया है वो उसके अपने इलाके में ही है। खांडू ने दि प्रिंट को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2 दिन पहले मैं उसी क्षेत्र मोनी गोंग, यानी उसी जगह के पास जहां चीनी निर्माण गतिविधि की बात कही जा रही है, वो वहां उपस्थित थे। मैंने वहां रक्षा कर्मियों के साथ बातचीत भी की थी। हमारे पास स्पष्ट जानकारी है कि जो भी विकास कार्य और गतिविधियां यानी चीन तरफ से चली है वो पड़ोसी
किसी देश के अपने इलाके में है, ना कि भारत के इलाके में। ऐसे में दोस्तों अब मुख्यमंत्री की तरफ से कहना ये पूरे तरीके से स्पष्ट हो गया है कि चाइना ने अपने क्षेत्र में ही वो निर्माण कर रहा है दोस्तों, ना कि भारत के क्षेत्र में। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में कौन है सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, ज्योतिरादित्य ने दिया इसका बड़ा जवाब। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी कार्यशैली की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने मोदी को परिणाम पसंद करने वाला एक गतिशील नेता करार दिया है। आज तक के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों के बीच तुलना नहीं की जा सकती है। जब उनसे प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के अंतर के बारे में पूछा गया तो सिंधिया ने कहा, मेरा मानना है कि दोनों के बीच तुलना करना मुश्किल है। दोनों नेताओं के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नरेंद्र मोदी सरकार के हाई प्रोफाइल मंत्रियों में से एक बताया है दोस्तों। वो बीजेपी में आने से पहले कांग्रेस में रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में भी बतौर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया था। वो 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस साल जुलाई में मोदी सरकार के में केंद्रीय मंत्री बने। ऐसे में दोस्तों सिंधिया के जवाब को आप छोड़िए, हमारा क्वेश्चन आपसे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के बीच अगर अंतर करें तो सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री आपके नजर में कौन होने वाला है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को ताकि हर कोई जवाब दे सके। तो व्हाट्सएप या फिर ट्विटर जहां मिले वहां शेयर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर कन्हैया कुमार को संबित पात्रा का चैलेंज, कहा अगर हिम्मत है तो बोले कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी है। आपको बता दे एजेंडा आज तक के मंच पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बीच जमकर बहस हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकल्प पर भी दोनों नेता भिड़ गए। ऐसे में संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस से जब भी पूछा जाता है कि मोदी का विकल्प कौन होता है तो ये कहते हैं कि 135 करोड़ जनता ही होगी, मतलब साफ है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। संबित ने कहा कि हाँ एक बात जरूर है कि राहुल गांधी का विकल्प कन्हैया कुमार अवश्य है। ऐसे में बीजेपी नेता ने आगे संबित पात्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस के पास पीएम मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है, हिम्मत है तो बोलकर दिखाएं कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी है। इनके मुंह में से भी ये बात नहीं निकल रहा कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी है, ये चले हैं चुनाव जीतने के लिए। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक राहुल को विकल्प नहीं मान रहे, मायावती भी नहीं मान रही है, तो और कांग्रेस के अंदर G23 भी उन्हें विकल्प नहीं मान रहा है। ऐसे में दोस्तों बड़े बुरे तरीके से संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लेकर कन्हैया कुमार को लपेटा है। दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी ऐसे में संबित पात्रा के बातों को लेकर, जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर जारी रहेगा तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।